आज 15 अगस्त स्वतंत्र भारत देश के 76वें स्वतंत्र पर्व को मनाने के भाग रूप वडोदरा शहर जिला सहित देश भर में आज राष्ट्रीय उत्सव मनाया गया। वडोदरा जिला स्तरीय आज स्वतंत्र पर्व का आयोजन डभोई तालुका में करते हुए आज राज्य के मंत्री प्रदीप सिंह परमार के हाथों राष्ट्र ध्वज फहराते हुए ध्वज वंदन कर सलामी दी गई थी। आजाद भारत देश के आज 76वें स्वतंत्र पर्व को मनाने के भाग रूप वडोदरा शहरवासी सहित नागरिकों में और देशवासियों में एक अनोखा उत्साहपूर्ण माहौल नजर आया था। जाहिर सी बात है कि आजादी के 75 वर्ष अमृत महोत्सव को मनाने के भाग रूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हर घर तिरंगा अभियान का आह्वान किया था, जिसको लेकर देशवासियों में पहले से एक राष्ट्र प्रेम की अनोखी भावना और उसकी ज्वाला प्रकट रही है। ऐसे में आज 15 अगस्त 76वें स्वतंत्र पर्व को मनाने के भाग रूप वडोदरा शहर जिला में सुबह से ही राष्ट्र प्रेम को अभिव्यक्त करते हुए राष्ट्रीय पर्व मनाया गया। वडोदरा जिला स्तरीय आज 15 अगस्त स्वतंत्र पर्व डभोई नगर में करते हुए 76वें स्वतंत्र पर्व के उपलक्ष्य में राष्ट्र ध्वज फहराने के बीच आज विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारत माता की आन बान शान समान वैसे तिरंगा को आदर सलामी देने के साथ परेड का आयोजन किया गया था, जहाँ डभोई नगर में आज राज्य के सामाजिक और अधिकारिता मंत्री प्रदीप सिंह परमार ने डभोई नगर में 76वें स्वतंत्र पर्व को मनाते हुए आज ध्वज वंदन कर सलामी दी गई थी, जिससे पूर्व परेड का निरीक्षण किया गया। वडोदरा शहर जिला के लोगों को आजादी पर्व की शुभकामना देने के साथ आजादी के जंग में भारत की मुक्ति के लिए बलिदान देने वाले वैसे तमाम स्वतंत्र सेनानी और उनकी देश की रक्षा के लिए शहीद होने वाले शूरवीरों को हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुरोध को हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा लहराने के लिए सभी को अभिनंदन दिए गए थे, जहां आज डभोई नगर में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री प्रदीप सिंह परमार ने राष्ट्र ध्वज लहराते हुए राष्ट्र ध्वज को सलामी देने के साथ ध्वज वंदन कार्यक्रम में सहभागी होते हुए हर किसी को शुभकामना दी थी। इस मौके पर वडोदरा जिला कलेक्टर सहित वडोदरा म्युनिसिपल कमिश्नर, वडोदरा के जिला प्रशासन के आला अधिकारी, पुलिस कमिश्नर के साथ जिला पुलिस कलेक्टर तुषार भट्ट, जिला पुलिस अधीक्षक अनुपम आनंद भी जुड़े थे। डभोई के अलग अलग विस्तार में भी इसी के साथ राष्ट्रीय पर्व मनाने के बीच आज स्वतंत्र पर्व मनाया गया।